आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडिटोरियम, आज 30 तारीख, 30 तारीख एक भारत की माने जानी तारीख मानी जाती है। सर सबसे पहले आज हमसे संबलपुर में रेंगाली के विधायक, युवा विधायक जिसे हम कहते हैं, रेंगाली का हर बच्चा इन्हें पहचानता है, घर घर लोग पहचानते हैं, इसलिए पहचानते हैं कि शुरू से जुड़े हुए हैं रेंगाली के साथ, कोई भी दुख सुख हो हर चीज़ में रहते हैं। तो सर आज 30 तारीख है, आज मोदी जी का, माता जी का भी स्वर्गवास हो गया, 2 दिन के बाद में नया साल आने वाला है, अब कुदोपाली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया सर आपने, थोड़ा बताइए सर। पहले बात तो आज के दिन जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, प्रधान देश का सेवक बोलते हैं, प्रधान सेवक, उनका माँ का, माता जी का देहांत हुआ, तो निश्चित रूप से मैं उनके माता जी की अमर आत्मा पर श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, नमन करता हूँ, और उनके आत्मा को शांति मिले, ये मैं माँ समलेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ। चलिए, दूसरा बात है, आज हमारा जो 30 दिसंबर तारीख है, इसी दिन 1857 में जो संबलपुर के पास सिंदूरपंख के नज़दीक जो कुदोपाली गांव है, उसी गांव में हमारा जो वीर सुरेंद्र साय के छोटा भाई छबील साय जो शहीद हुए थे, उनका साथ और 56 जन शहीद भी वहाँ पे हुए थे। तो उसी दिन को लेके उस जो घाटी है, उसी घाटी से इंग्रेज से दिसंबर 17 तारीख को युद्ध करके इंग्रेज को हराए थे, तो इंग्रेज भाग गए थे, लेकिन फिर इंग्रेज और एकजुट होके दिसंबर 30 तारीख को आक्रमण किया, जबकि उनका शहीद हो गए उसी युद्ध में। तो उसी जगह को एक तो हम लोग जो सोचते हैं, जब जालियाना बाग के बाद अगर कोई जगह होगा तो ये जगह जो 21-7 एक दिन में इतना लोगों अंग्रेज के गोली से शहीद हुई थी, तो उसी जगह आज से 75 साल होने का बावजूद उसी जगह में को जानकारी नहीं है लोगों में कि यहाँ पर इतना बड़ा घटनाघर हुआ था, यहाँ पर ऐसा युद्ध हुआ था, यहाँ पर ऐसा जो शहीद हुए थे। तो इसी चीज़ को हम लोगों के बीच लाने के लिए, लोगों के दृष्टि को लाने के लिए हमारा जो वीर छबील साय स्मृति कमेटी कार्यक्रम किया। आज सुबह समली मंदिर से एक मशाल निकला जाके उसी गांव में जहां पर छबील साय जी का देहांत शहीद हुए थे, वहां पर पूजा अर्चना करके वहां पर श्रद्धांजलि सभा की। उससे पहले दिसंबर 17 तारीख को जिस दिन युद्ध हुआ था और अंग्रेज हार गए थे, वहां उसी दिन भी उसी घाटी पर हर गांव से महिलाएं, युवा मशाल और तिरंगा झंडा लेके आए थे उसी स्थान पर, घाटी पर, जहाँ पर भारत माता की जय जयकार हुआ, और उसी दिन को भी याद किए थे। तो आज के दिन हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ का लोगों, यहाँ का बच्चा जो कि जानता नहीं है इसी मिट्टी का जो महानता है, आज का जो बच्चा जो कि स्वाधीन भारत से पहले बाद में जन्म हुआ, कि अभी का जो नया पीढ़ी, वो लोग नहीं जानते हैं कि इस जगह में क्या हुआ था। आज इसी जगह पे जो युद्ध हुआ था, जो शहीद हुए थे, उसी के कारण आज हम लोग स्वाधीन हुए हैं, और उनके कारण आज हम लोग ये अपना घर परिवार शांति से जी रहे हैं। तो उनको याद रख करना ज़रूरी है, हमारा नया पीढ़ी को ये जनाना भी ज़रूरी है कि ऐसा ये जगह ये है, ताकि हमारा नया पीढ़ी को भी राष्ट्रवाद का भावना भी आ सके, और राष्ट्रपति अपना ममता भी आ सके कि राष्ट्रपति कुछ कर्तव्य है, ये भावना आ सके। इसीलिए हम लोग कार्यक्रम किए हैं इसी जगह को, कैसे लोगों ने आए जाने ये जगह को, इसलिए वहाँ पर एक तो शहीद स्तंभ बनाने के लिए हम लोग योजना किए हैं, वहाँ पर एक पार्क बनाने की भी योजना किए हैं, एक कम्युनिटी सेंटर भी करने के लिए योजना किए हैं इसी जगह को, जैसे कि मतलब एक छोटा सा पर्यटन स्थल हो जाए, लोगों जा सके, वहाँ पे बच्चे भी जा सके, और वहाँ जाके हम सब याद करेंगे कि यहाँ ऐसा युद्ध हुआ था, तो युद्ध में हमारा लोगों ने शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, तब जाके राष्ट्रभावना जागृत होगा। इसी लिए आइए कार्यक्रम करिए। चलिए, थैंक यू सर। आज हम नवजी बाबू ने कई प्रकार की बातें बताई छबील साय के बारे में, जो उन्होंने इतना बड़ा कुर्बानी की, लोगों के अंदर लुप्त हो चुके थे, मालूम नहीं, लोगों खाली वीर सुरेंद्र साय तक या था।
अब धीरे धीरे छबीला होकर आ गया। और उनके लिए जो प्रयास कर रहे हैं हम लोग भी बहुत धन्यवाद देंगे कि कम से कम संबलपुर वासी उनको भी मालूम पड़े एक चीज़ है। और हमारे जब विधायक लड़ चुके हैं आगे आ चुके हैं और हम भी सोचते हैं ये जरूर अच्छी चीज़ बनेगी, लोगों की यादगार में रहेगी। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।